क्या ये सडनली कंस्ट्रक्शन पिछले एक महीने में डेढ़ महीने में हुआ है? ऐसा नहीं है। अगर आप कहते हैं कि सच में इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो 15 साल आपने बैठ करके यहाँ सिर्फ करप्शन किया है। जैसे ही एमसीडी के चुनाव आए, उन्हें लगा कि वो एमसीडी के चुनाव हार सकते हैं, सडनली वो पार्लियामेंट के भीतर जाते हैं और कहते हैं कि हम एमसीडी के इलेक्शन को स्थगित कर रहे हैं और तीनों एमसीडीओं को मिलाकर के एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाने जा रहे हैं। तब उनको लगा कि अभी भी हम चुनाव हार सकते हैं। तब वो लेकर के आए कि कुछ एरियाज को उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये एरिया ऐसे हैं जहां पर कि उनका वोटर नहीं रहता है, यहां पर कि दूसरे तबके के लोग रहते हैं, या मुसलमान तबके के लोग रहते हैं, या दलित तबके के लोग रहते हैं, या गरीब गुरबा लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी पर अपना जीवन जला रहे हैं, जो उनका कोर वोटर नहीं था। अब इन्होंने किया कि इनके ऊपर हमले किए जाए ताकि उनका जो अपना सपोर्टर उसको मजबूती किया जा सके, उसको खुश किया जा सके, और इसीलिए उन्होंने चिन्हित करके नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट पर भी जो है बुलडोजर का पंजा आ चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एलजी जो रेसिडेंट है वो यहाँ से शुरुआत होती है, मगर इस शुरुआत की जा रही है तोड़फोड़ की झुग्गी झोपड़ी और रेड़ी पटरी वालों से। अभी हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के ही प्रोफेसर मीणा जी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से हम जानेंगे कि किस सरकार किस तरीके से अपनी मनमानी कर रही है। तो सर, क्या लगता है कि सरकार क्या अपनी मनमानी कर रही है और इसीलिए ये पंजा जो है शिकंजा चल रहा है और गरीब लोगों पे? जी बिल्कुल, सरकार मनमानी कर रही है। सरकार दरअसल हो ये रही है कि जो असल इशू थे, जिस तरीके से पेट्रोल की प्राइसेस हाई हो रही हैं, जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ रहा है, जिस तरीके से बाकी चीज़ें खराब होती जा रही हैं दिनों दिन, आप देखेंगे तो गरीबी जो रेखा है वो उसके नीचे जो लोगों की संख्या वो बढ़ती जा रही, ऐसे में फोकस वहाँ होना चाहिए था, लेकिन उससे फोकस हटा करके अब धीरे धीरे बुलडोजर के ऊपर ला दिया गया। ये दरअसल ध्यान भटकाने की पूरी राजनीति है, जिसके जरिए ये कोशिश की जा रही है कि आप असल मुद्दों से हट जाएं। बुलडोजर की जब आपकी बात चली है तो इस देश को बुलडोजर के आने से पहले इस देश के संविधान से सारी चीज़ें चल रही थी। आज़ादी के साथ में ये कल्पना की गई थी कि इस देश के संविधान से इस देश को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन हो ये रहा है कि पिछले कुछ समय से इस देश की सरकारों में जो लोग बैठे हुए हैं वो बुलडोजर से इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बुलडोजर जो है संविधान को रिप्लेस कर दे, इस देश के और जो कानून व्यवस्था उसको जो है बुलडोजर के जरिए रिप्लेस कर दिया जाए, और यही वो चल रहा है। इस देश में अगर हम लोग देखें तो संविधान में अगर किसी ने कुछ गलत किया है, कोई गैरकानूनी काम किया है, कोई गैरकानूनी कंस्ट्रक्शन है, तो ये व्यवस्था है कि आप उसके खिलाफ एक प्रोसीजर के जरिए कार्रवाई कर सकते हैं। उसमें एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, उसके लिए जुडिशरी भी बनी हुई है, आपके पास पुलिस महकमा है और भी तमाम तरीके की बॉडीज वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरीके से सडनली बुलडोजर की एंट्री हुई इस देश की राजनीति में, उसका मकसद ये था कि किस तरीके से जो एंटी बीजेपी जो लोग हैं, एंटी बीजेपी जो वोटर है, एंटी बीजेपी जो ग्रुप्स हैं, जब पॉलिटिकल जो लोग हैं, उन सबको बुलडोजर के जरिए डराने की कोशिश हो रही है। बुलडोजर के जरिए दलितों के ऊपर हमले हुए हैं, बुलडोजर के जरिए मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, बुलडोजर के जरिए आदिवासियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। दिल्ली के केस में जब बात करेंगे तो पिछले 15 सालों से दिल्ली के भीतर एमसीडी में बीजेपी रूल कर रही है। पिछले 15 सालों में उनको पता नहीं चला कि कहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और अगर आपको पता नहीं था तो आप नकारा लोग थे, नालायक लोग थे, जो एमसीडी में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ मजा काट रहे थे, सिर्फ पैसा वसूल रहे थे। आपको अगर नहीं पता था, क्या ये सडनली कंस्ट्रक्शन पिछले एक महीने में डेढ़ महीने में हुआ है? ऐसा नहीं है। अगर आप कहते हैं कि सच में इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो 15 साल आपने बैठ करके यहाँ सिर्फ करप्शन किया है, आप उसको ढकने के लिए बुलडोजर लेकर के। दूसरा, जैसे ही एमसीडी के चुनाव आए, उन्हें लगा कि वो एमसीडी के चुनाव हार सकते हैं, सडनली वो पार्लियामेंट के भीतर जाते हैं और कहते हैं कि हम एमसीडी के इलेक्शन को स्थगित कर रहे हैं और तीनों एमसीडीओं को मिलाकर के एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाने जा रहे हैं। तब उनको लगा कि अभी भी हम चुनाव हार सकते हैं। तब वो लेकर के आए कि कुछ एरियाज को उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये एरिया ऐसे हैं जहाँ पर कि उनका वोटर नहीं रहता है, यहाँ पर कि दूसरे तबके के लोग रहते हैं, या मुसलमान तबके के लोग रहते हैं, या दलित तबके के लोग रहते हैं, या गरीब गुरबा लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी पर अपना जीवन जला रहे हैं, जो उनका कोर वोटर नहीं था। अब इन्होंने किया कि इनके ऊपर हमले किए जाए ताकि उनका जो अपना सपोर्टर उसको मजबूती किया जा सके, उसको खुश किया जा सके, और इसीलिए उन्होंने चिन्हित करके ये काम शुरू किया।
जहांगीरपुरी में जो मामला आया, जहांगीरपुरी में कई दुकानें ऐसी तोड़ी गई, कई मकान ऐसे तोड़े गए जिनको हमने देखा कि जिनके पास पहले से पट्टे हैं, 70 के दशक से जिन दुकानों के पास पट्टे थे वो दुकान आज की तारीख में तोड़ी गई। आप कहते हैं कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन था। आपने देखा कि खरगोन में जो बुलडोजर चला, उस बुलडोजर ने कई ऐसे मकान तोड़े जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिले थे। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो मकान जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया था, आपको पता नहीं था कि वो लीगल जमीन पर है कि इलीगल जमीन पर है, लीगल कंस्ट्रक्शन है लीगल कंस्ट्रक्शन, आपको पता था लेकिन आपने बदले की भावना से कार्रवाई की, आपने जानबूझकर के मुसलमानों को टारगेट किया। आप ये सब करके क्या कर रहे हैं, ये पोलराइजेशन कर रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम की बाइनरी में पूरी की पूरी सोसाइटी को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने नेशनल लेवल पर हिंदू मुसलमान किया, अब वो एकदम छोटे लेवल पर ग्रास रूट लेवल पर रेहड़ी पटरी और जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके बीच में आप हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम सब लोग उसी के खिलाफ यहाँ पर हैं कि बुलडोजर से देश नहीं चलेगा, ये देश इस देश के संविधान से चलेगा। अच्छा, जैसे अभी इलेक्शन का टाइम था पिछला टाइम, तो योगी बाबा कह रहे थे कि मई में जनवरी जैसा एहसास दिला दूंगा, ठंडक हो जाएगी, तो वाकई में क्या ठंडक कर दी जा रही है? वाकई में उनका जो ये कथन था वो सत्य होता हुआ नजर आ रहा है? ये जो ठंडक का एहसास दिलाने वाली बात है ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसको कि इस देश के संविधान में विश्वास नहीं है। किस चीज की गर्मी और किस चीज की ठंडक, ये बताइए। क्या कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये बात कह सकता है? क्या उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है? गली में रोड पे चलता हुआ कोई गुंडा लुच्चा लफंगा ये बात कहे तो समझ में आती है कि भाई उसको शायद इस चीज़ का पता नहीं है कि वो किस तरीके का बात कह रहा है। लेकिन जब एक संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा होता है और जब ये बात करता है तो ये समझिए कि उसका संविधान में विश्वास नहीं है, वो संविधान के रास्ते आगे नहीं। भले ही उसने संविधान के रास्ते सत्ता की कुर्सी उसने पाई लेकिन उसका विश्वास इसमें नहीं। अगर उसका विश्वास इसमें होता तो वो संविधान की बात करता, वो कहता कि मैं संविधान के रास्ते पर अपने प्रदेश को लेकर आगे लेकर के बढ़ूंगा, लेकिन उन्होंने वो बात नहीं कही। तो ये सारा का सारा उनका अपने का एक एजेंडा है, उसके जरिए वो ये काम कर रहे हैं कि किस तरीके से वो इस देश के संविधान की जगह मनुष्यमति को ले आए, और यही उसका प्रोजेक्ट चल रहा है और उसी दिशा में वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने पहले भी कहा कि आप चाहे जितना जोर लगा लें, इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा और जो अमन पसंद लोग हैं वो इस देश को संविधान के रास्ते पर आगे लेकर के जाएंगे। वो कभी भी इस देश को मनुष्यमति के रास्ते की तरफ नहीं बढ़ने देंगे, ना आरएसएस का जो ख्वाब है जिसके जरिए वो कह रहे हैं अखंड भारत, उसके जरिए उसके की तरफ इस देश नहीं बढ़ेगा। बाबा साहब पहले भी अखंड जो है भारत के ख्वाब को जो है रिजेक्ट कर चुके, उन्होंने इसे पागलपन भरा ख्याल बता करके उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। हम भी जानते हैं कि पागलपन है जब वो देश में 13-14% मुसलमानों को नहीं संभाल पा रहे, अखंड भारत में आप 45% मुसलमानों को संभाल लेंगे, किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं मोहन बाबा साहब? वो बेवकूफ बना रहे हैं अपने लोगों को जो बन रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सब पागलपन वाले भरे ख्याल है, अगर ये देश आगे बढ़ेगा तो संविधान के रास्ते आगे बढ़ेगा। अच्छा, जैसे सरकार संविधान को अब जो है पीछे नहीं हटा पाई तो मनुस्मृति ला रही थी, मनुस्मृति से नहीं कर पाई तो क्या बुलडोजर तंत्र को चला करके अब शिकंजा कस रही? देखिए, बुलडोजर जो है वो इस देश के कानून का कभी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है। बुलडोजर कभी भी जो है संविधान की जगह नहीं ले पाएगा, बुलडोजर कभी भी इस देश में भाईचारे की जगह नहीं ले पाएगा। बुलडोजर का काम बुलडोज करना है, चीज़ों को नष्ट करना है, और सोसाइटी चीज़ों को नष्ट करने से आगे नहीं बढ़ती है, बनती भी नहीं है, उससे सोसाइटी में बनाना पड़ता है। बुलडोजर नष्ट करता है तो वो कभी भी इस देश में जो है जगह नहीं ले पाएगा, वो कभी भी स्थापित नहीं हो पाएगा। अले जो लोग आज सरकार में वो ये गुमान पाल करके बैठ जाए, उन्हें ये सोच सकते हैं कि वो बुलडोजर से कुछ कर ले जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस देश में अभी भी बुलडोजर से ज़्यादा संविधान में विश्वास करने वाले लोग रहते हैं, और इसीलिए ये देश बुलडोजर की जगह संविधान के रास्ते चलेगा और उसी से बना हुआ जो तंत्र है उसी के रास्ते पर आगे बढ़े। एक आखिरी सवाल सर, क्या जो सरकार है मतलब राजनीति कर रही है बुलडोजर के जरिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए बुलडोजर को मतलब हाईलाइट कर रही है, क्या ऐसा कुछ है? बिल्कुल, देखिए आज की तारीख में इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, गैस का सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया है। जब इनकी सरकार बनी थी तो लगभग 410 रुपये का सिलेंडर था, आज की तारीख में 600 रुपये उस गैस के सिलेंडर पर प्राइस बढ़ गए हैं।
जब इनकी सरकार आई थी तो लगभग 50-52 के आसपास पेट्रोल के प्राइसेस थे, आज 100 प्लस पहुंच चुके हैं। जब महंगाई का आलम देख लीजिए, जब बेरोजगारी का आप आलम देखिए, इस देश में आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज की तारीख में है। आप देखेंगे तो मजदूरों की सबसे ज़्यादा हालत ख़राब आज की तारीख में। इस देश में प्रेस का इंडेक्स सबसे नीचे है, हैप्पीएस्ट इंडेक्स में भी इस देश की हालत सबसे बुरी है। ये वो सवाल है जिन पर की सरकार को घेरा जा रहा था, सरकार से लोग सवाल कर रहे थे कि आप बताइए कि पेट्रोल के प्राइस इतने बढ़ क्यों गए हैं, ये महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है। जब ये सवाल आ रहे थे, सडनली वो बुलडोजर लेकर के आए ताकि वो अपनी नाकामी को छुपा सकें, वो अपने नकारेपन को छुपा सकें, और इसीलिए बुलडोजर को उन्होंने आगे किया। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग देखिए कि बुलडोजर उनका समर्थन कैसे, अगर उनका समर्थन नहीं होता तो जो लोग आज की तारीख में रूल कर रहे हैं वो लोग इस बुलडोजर के खिलाफ बोल रहे होते, लेकिन उन्हें पता है कि बुलडोजर उनकी राजनीति को फायदा दे रहा है, उनके पॉलिटिकल एजेंडे को पूरा कर रहा है, इसीलिए वो इस बुलडोजर पर वो है कम्प्लीटली चुप हैं और वो इसका सिर्फ मजे ले रहे हैं। लेकिन इस देश के लोग इस बात को देख रहे हैं कि जो निज़ाम ऊपर बैठा हुआ है, चाहे वो दिल्ली की गद्दी पर हो चाहे केंद्र सरकार में बैठा हुआ हो, वो दोनों लोग ये जान लें कि ये देश संविधान की तरफ बढ़ेगा, संविधान के रास्ते पे चलेगा, बुलडोजर की आड़ में आप बहुत लंबे समय तक छुप नहीं पाएंगे जी। तो अब सर जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है तो अब क्या कुछ करेंगे आगे, क्योंकि बिना नोटिस के जो है रेडी पटरी और गरीब लोगों पर ही बुलडोजर चल रहा है, तो क्या कुछ रहेंगे आपके? देखिए, अफसोस इसी बात का है कि जब ये देश बन रहा था और जब संविधान लागू हो रहा था, तब हम सब ने ये उम्मीद की गई थी, हमारे पुरखों ने उम्मीद की गई थी, इस देश के तमाम दबे कुचले शोषित पीड़ित जो लोग हैं उनको जो है हक हुकूक मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा, सबको इक्वालिटी मिलेगी, सबको बराबरी का दर्जा दिया जाएगा, सबको अपने सम्मानपूर्वक जीवन जीने का हक होगा। लेकिन अभी की तारीख में जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, जिस तरीके की राजनीति हो रही है, उसमें सबसे पहली चोट गरीबों के ऊपर है जिनकी रेहड़ी पटरी तोड़ी गई। क्या जिस तरीके से बुलडोजर उस कॉलोनी में चलाया गया, शाहीन बाग हो चाहे जहांगीरपुरी हो, क्या एलजी हाउस के आसपास जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उस पर वो बुलडोजर चल सकता है? क्या प्रधानमंत्री ऑफिस के आसपास में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उस पर चल सकता है बुलडोजर? या न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो पॉश इलाका है वहाँ पर बुलडोजर चल पाएगा? नहीं चला पाएंगे। वो ये बुलडोजर गरीबों के खिलाफ चला रहे हैं, दरअसल वो मजाक बना रहे हैं। क्या अडानी ने जिस तरीके से जंगल छीने हैं, क्या अडानी के ऊपर बुलडोजर चलेगा? क्या चंदौली में जिन पुलिस वालों ने उस बच्ची को मार दिया उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा? चाहे ललितपुर का जो केस हुआ जिसमें थाने पुलिस वाला आरोपी है, क्या उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वो लोग हैं जिनको सत्ता ने शरण दे रखी है, या जो लोग सत्ता की मदद से पनप रहे हैं, और इसीलिए हम जान रहे हैं कि ये गरीबों के ऊपर बुलडोजर है। लेकिन इस देश के लोग उस बुलडोजर का भी जवाब देंगे जी। शुक्रिया सर। अभी हमने मीना जी से बात की और जिस तरीके से सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है और आप लोग भी देख रहे हैं, और मैं आपको लगातार ये खबरें दिखाती रहूँगी, और लगातार जिस तरीके से बुलडोजर ने अपनी मनमानी चालू कर दी है उसी पर जो है अभी मीना जी से हमने बात की, किस तरीके से संविधान को बुलडोजर के जरिए रौंदा जा रहा है। लगातार इसी तरीके की कवरेज मैं आपको दिखाती रहूंगी, जब तक देखते रहिए जनहित आवाज़ नई दिल्ली।